evening, everyone. Now, this topic what we have to start, this subject what we have to start, is a very, you can say, detailed and very important part of the professional life. And that subject is the elective paper. Six C, which is the international taxation paper. Now, this paper, paper 6C, एक तो ये elective paper है, तो हमें थोड़ा सा general जानकारी होनी चाहिए कि elective papers कैसे conduct किए जाएंगे, क्या approach रहेगी, और institute की क्या expectation है. मतलब this is something which is novel thing with which Institute of Chartered Accountants of India have come out, in lines somewhat with the Institute of Company Secretaries of India. Now, they have a concept of elective paper, and CA Institute ne bhi abhi elective paper ka concept introduce kiya with May 2018 attempt. To abhi to paper hona hai, aur kaisa aega, kya rahega, kya outcomes rahenge, वो सब चीजें अब समय के साथ हमें पता चलती हैं. तो जिनका मई 18 अटेम्प्ट है उनके लिए तो दे आर दी पीपल हु विल बी दी पीपल हु विल बी एक्सपेरिमेंटेड विथ, और उनके ऊपर ही सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट होने हैं वो इस सब्जेक्ट में होने वाले हैं. इलेक्टिव पेपर में छह पेपर्स हैं. वन ऑफ द पेपर इज रिस्क मैनेजमेंट, which you are aware of. I am just trying to introduce you to the subject. Second paper is financial services and capital market. Third of the subject which we have is this international taxation. The fourth paper you have is economic laws. The fifth one is global financial reporting standards. And the sixth one is multidisciplinary. Case study. So this is the set of papers you have. And now why one has to choose this paper, international taxation? That is one of the core questions. कि ये छह में से कौन सा paper हम select करें? Why one has to go with international taxation? तो उसके लिए मैं आपको दो-तीन बातें बता देता हूँ. My reasons, my understanding, why this paper would be very apt to select. One of the reason is the way the exam is there. मतलब इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ. वो तो reason है ही. मतलब उसके अलावा भी, why one should select this paper? तो जो एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम का पेपर का सेगमेंट है, वो हमको ऑटोमेटिकली ये चॉइस देता है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन हम सिलेक्ट करें. क्योंकि पेपर सिक्स में अगर हम इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए जाते हैं तो उसका अगला पेपर है पेपर सेवन, विच इज डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन. तो इंटरनेशनल टैक्सेशन यहां 30 मार्क्स का है और यहां 100 मार्क्स का है. प्लस जब आप ये 100 मार्क्स का इंटरनेशनल टैक्सेशन तैयार करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें न केवल ये 30 मार्क्स वाला जो पेपर है उसका कवरेज है, पर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं, कुछ ऐसे डिस्कशंस भी हैं जो इस 70 मार्क्स से भी संबंधित हैं. तो आपकी डायरेक्ट टैक्स की तैयारी चार दिन पहले से, पेपर सेवन की चार दिन पहले से, या एक सीक्वेंस में तैयारी चार दिन पहले से चालू हो जाती है. और आपने पेपर फाइव दिया कॉस्टिंग वाला, और उसके बाद इंटरनेशनल टैक्सेशन आपने पढ़ा, और वही इंटरनेशनल टैक्सेशन फिर आपको देना है,
और इंटरनेशनल टैक्सेशन जब आप पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट टैक्स भी रिफ्रेश होता है. तो ये जो पेपर का स्टाइल है वो अपने आप में हमको इनकरेज करता है कि हम पेपर सिक्स और पेपर सेवन की तैयारी एक साथ कर सकते हैं. द सेकेंड रीजन वन हैज टू फाइंड वाई दिस पेपर ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन. तो जैसे कैपिटल मार्केट और इकोनॉमिक लॉज और ये पेपर्स है, ये फुल्ली आप कह सकते हैं पूरी तरह से ये अलग ही टॉपिक्स हैं. इसको जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, एक्सेप्ट वन और टू पेपर्स जिसमें थोड़ा जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, वो ऑडिट पेपर का एक्सटेंशन है. बाकी अधिकतर पेपर्स में जो कंटेंट है वो नए सिरे से है, वो नई बातें हैं, नए लॉ हैं जिसमें. तो इस पेपर की खासियत ये है कि इसका 40-50% कंटेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हों, और वो जो कंटेंट है जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन, इसमें जो आपने पढ़ा वो सब बातें, वो सारी बातें, वो सारे सब्जेक्ट्स, वो सारी चीज़ों के साथ यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें पढ़नी है. जैसे कोई भी आप टॉपिक ले सकते हैं, से यू टेक द टॉपिक ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, तो वही बात जो आप ट्रांसफर प्राइसिंग में पढ़ चुके हैं, बात तो वही है पर उसका एक एडवांस्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच आपको यहाँ पे बिल्ड करना है. अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग आप पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ है पर उसका एक एडवांस और प्रैक्टिकल अप्रोच हमको यहाँ पे बिल्ड करना है. तो ये अप्रोच का मेजर चेंज है, और कुछ बातें, कुछ केस लॉस, कुछ चीज़ें नई तरीके से हमको पढ़नी रहेगी. तो कंटेंटफुली 40-50% ऑफ द कंटेंट यू कैन को रिलेट विद द ओरिजिनल पेपर. एंड व्हेन वी स्टडी द इंटरनेशनल टैक्सेशन इन अवर मेन बैच पेपर सेवन, देन वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. बहुत सारी चीज़ें हम उसमें ही डिटेल में पढ़ लेते हैं. जैसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो एक्चुअली हम एक एग्रीमेंट ही पढ़ लेते हैं पूरा. तो वो एग्रीमेंट पढ़ के हमको उसका पूरा ओवरऑल नॉलेज मिल जाता है. तो कंटेंटफुली जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है उसका बेसिक थीम या एक सब्सटैंशियल पोर्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फिर एक और रीज़न मुझे लगता है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन क्यों एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज ऑफ द स्कोप इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड्स. नाउ इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस इन टैक्सेशन एंड इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर सम मल्टीनेशनल एंटरप्राइज और फॉर सम बिग फोर फर्म्स, तो दे विल गिव यू, डेफिनेटली गिव यू अ प्रायोरिटी. सो व्हेन यू गो फॉर द जॉब एंड दे अंडरस्टैंड कि आपने ये सब्जेक्ट एक कोर कंपिटेंस हासिल किया है, तो यू विल गेट अ प्रायोरिटी ओवर द अदर कैंडिडेट्स, बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट विच इज द, यू कैन से, हॉट केक, द लेटेस्ट एंड द मोर कोर सब्जेक्ट इन द प्रैक्टिकल लाइफ. सो इसके कारण आपको टैक्सेशन फील्ड में प्रायोरिटी मिल सकती है अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस हैं. तो ये कुछ दो तीन एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे लगा कि इंटरनेशनल टैक्सेशन का सब्जेक्ट क्यों रेलेवेंट हो सकता है पढ़ने के लिए. एक और बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक कॉज ऑफ कंसर्न भी है, और वो है ओपन बुक एग्जाम. नाउ आई विल टेल यू कि सीए में ये बातें कई सालों से चली आ रही है, बहुत समय से ऐसा रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि ओपन बुक एग्जाम होनी चाहिए. और वो रिकमेंडेशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि व्हाट दे वांटेड इज कि स्टूडेंट्स को नॉलेज डेवलपमेंट करना चाहिए और सिर्फ क्रैमिंग नहीं करना चाहिए कि अपन ने कोई सब्जेक्ट पढ़ना चालू किया और उसको रट लिया. एक्सपेक्टेशन ये है कि हम उस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल वे में पढ़े. अभी प्रैक्टिकली जैसे कोई सीए है और उसके ऑफिस में कोई क्लाइंट आता है तो ऐसा तो करता नहीं है कि वह क्लाइंट आया और बस मैं सोच के बता रहा हूँ. ही रेफर्स दी बुक्स, बिल्कुल वो बुक्स देखेगा, इंटरनेट पर सर्च करेगा, रिसर्च करेगा और वो सब करके क्लाइंट का सॉल्यूशंस देगा. तो वो जो अप्रोच है, वो अप्रोच रिकमेंड की जा रही थी कि सीए कोर्स को रटने की परीक्षा ने बना दिया जाए और उसका बेसिक थीम ये रहे कि आप उसको प्रैक्टिकल वे में एड्रेस करें. कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको कैसे रिसर्च करके उसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे, वो अप्रोच दिया जाए. डायरेक्ट टैक्स में करीबन 20 साल से ये बातें चल रही हैं, विच वॉज ऑलवेज रिकमेंडेड कि डायरेक्ट टैक्स का पेपर ओपन बुक पेपर रखा जाए. तो ये एक पहल है आईसीआई की, दे हैव जस्ट इनिशिएटेड विद दिस, और भविष्य में हम उम्मीद कर सकते हैं, चाहते हैं हम कि सारे पेपर ओपन बुक हो जाए. तो एटलीस्ट जो लॉ ओरिएंटेड पेपर्स हैं वो ओपन बुक हो जाएं, ताकि स्टूडेंट को रटने के बजाय
एक प्रोफेशनल अप्रोच, इंटरप्रिटेशनल अप्रोच ज्यादा बिल्ड हो सके। तो ये एक अच्छा शुरुआत है ओपन बुक एग्जाम के साथ। डेफिनेटली जिनके लिए ये फर्स्ट एक दो अटेम्प्ट है उसमें समझ आएगा कि कैसे पेपर्स आएंगे, क्या रहेगा, बट उसके बाद वंस इट सेटल्ड डाउन एज इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेरी गुड एंड वेरी प्रॉपर एप्ट अप्रोच विच द इंस्टीट्यूट हैज गिवन। ओपन बुक एग्जाम का जो मैनर ऑफ प्रिपरेशन है उसमें उन्होंने एक फ्रेज यूज किया है, द एग्जाम वुड बी ओपन बुक एंड इट वुड बी केस स्टडी बेस्ड। सो दिस विल अगेन नॉट बी सम थ्योरी सॉर्ट ऑफ पेपर। उन्होंने ऐसा नहीं कहेंगे कि व्हाट आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से इन ट्रांसफर प्राइसिंग, और वो 13 एंटरप्राइजेस की आप लिस्ट लिख दो, बस वो लिस्ट लिख दोगे तो हो गया, तो बुक में से वैसा का वैसा टीप दिया और हो गया, वैसा अप्रोच मुझे नहीं लगता है कि रहेगा। उन्होंने जो इनिशियल गाइडलाइन दी है दैट गाइडलाइन इज ओपन बुक एंड केस स्टडी बेस्ड। नाउ व्हेन यू टॉक ऑफ ओपन बुक एग्जाम, ओपन बुक में आपको बुक मिलेगी, तो एक चीज ये है कि बुक घर से लेके जानी है या बुक वहां मिलेगी। बुक वहां मिलेगी, घर से नहीं लेके जानी है। दूसरी बात, बुक कौन सी मिलेगी, बुक मिलेगी आपका मॉड्यूल। मिसअंडरस्टैंडिंग ये रही है कुछ लोगों को कि मतलब बुक कोई भी ले जा सकते हैं तो सारी बहुत सारी बुक्स ले जाएंगे, या वो नहीं है, बुक मिलेगी मॉड्यूल और वो भी वहां पे। तो कोई ऐसा भी नहीं कर सकता कि मॉड्यूल में मार्किंग्स करके रख ले, मार्किंग्स करा हुआ मॉड्यूल आप ले जा नहीं पाओगे, मॉड्यूल वहीं पर मिलेगा। तो अच्छा है मॉड्यूल मिलेगा तो वहां पे बहुत सारे डायग्राम्स और मॉड्यूल में रहते हैं, डायग्राम्स रहते हैं, एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशंस रहते हैं, तो वो मॉड्यूल जो मिलेगा वो मॉडिफाइड वर्जन मिलेगा जिसमें दे विल स्क्रैच आउट द डायग्राम्स द इलस्ट्रेशंस, ठीक है, वो हटा के फिर आपको मॉड्यूल दिया जाएगा, तो मॉडिफाइड वर्जन मॉड्यूल का रहेगा। तो ये एक एस्पेक्ट और है, मॉड्यूल बुक दैट इज द ओनली बुक विच यू विल गेट। नाउ द ओवरऑल अप्रोच विल बी केस स्टडी बेस्ड अप्रोच। तो मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूं कि जैसे अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने 2 केस स्टडीज इंटरनेशनल टैक्सेशन की अपलोड की है साइट पे, और जब आप ये केस स्टडीज को देखेंगे तो उनकी जो बेसिक थीम है वो ये है कि एक केस स्टडी में आपका ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट पता किया जा सके। ऐसा नहीं है इसमें कि आपको कोई ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन दे दिया, मतलब दिस केस स्टडी इज नॉट जस्ट कि ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है, इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग भी इन्वॉल्व रहेगा, इसमें हो सकता है कि अलॉन्ग विद ट्रांसफर प्राइसिंग स्पेशल रेट्स का कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है कि इसमें अलॉन्ग विद दिस DTAA का इम्प्लीकेशन हो। तो एक ही क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंसिवली जैसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है मल्टीपल इश्यूज इन्वॉल्व करके इसमें पूछा गया है, और उसमें भी कुछ पार्ट्स ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब उन्होंने 3-4 पेज की जो केस स्टडी दे दी उसके बाद कहा कि इन द गिवन फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग एंड व्हाट यू हैव टू आंसर, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि ट्रांसफर प्राइसिंग का एप्लीकेशन होगा क्या, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद देन यू हैव टू आंसर इट इन अ डिस्क्रिप्टिव और सॉल्यूशन कैलकुलेशन। तो एक केस स्टडी बेस्ड पेपर इस तरह का केस स्टडी जो आएगी वो ऐसी कुछ रहेगी। अगली चीज, एक तो ये एस्पेक्ट है ओपन बुक को लेके, तो आई एम वेरी क्लियर विद दैट व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द ओपन बुक एग्जाम। थर्ड थिंग इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग इन द सब्जेक्ट। तो एज आई सेड कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है वो पार्ट जो आप ऑलरेडी पेपर 7 में पढ़ चुके हो, और एक है वो पार्ट जो आप पेपर 7 में आपने नहीं पढ़ा है पर उसके ऊपर कुछ एड ऑन है। पेपर 7 में या तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है या पेपर 7 में जो पढ़ा है उसके ऊपर कुछ एड ऑन है। मैं आपको थोड़ा उसका पूरा डिटेलिंग भी करके बता देता हूं व्हाट एग्जैक्टली आर द चैप्टर्स सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट कि हमको ये पढ़ना है। पर जो भी हमको पढ़ना है उसमें मेरा रिकमेंडेशन
पढ़ने के अप्रोच को लेके ये रहेगा। नंबर वन, जो भी हम पढ़ेंगे उसके नोट्स आपको दिए जाएंगे, नोट्स आप पढ़ोगे, वो एक एक एस्पेक्ट है, पर उसके अलावा आपको मॉड्यूल जरूर से देखते हुए चलना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम में मिलेगा मॉड्यूल, और वो वाला जो इंस्टीट्यूट का है, अगर अपना ही मॉड्यूल ले जाने का चॉइस होती तो शायद हम ऐसा कर लेते कि मॉड्यूल में मार्किंग्स कर लेते, कुछ फ्लैग्स लगा लेते जो हमको लिखना है, तो वो सब अप्रोच संभव नहीं है। तो मॉड्यूल आप सिर्फ देखो ताकि आपको ये पता चले कौन सा टॉपिक कहाँ आता है, कैसे कंटेंट लिखा हुआ है, वो जरूर देखते हुए चलना चाहिए। मॉड्यूल जरूर से कम दो बार पूरी रीडिंग हो जानी चाहिए बिफोर द एग्जाम्स। दूसरी चीज, एज द सब्जेक्ट इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ यू कैन से नॉट अ सब्जेक्ट फॉर द थ्योरी, और जो बुकिश स्टाइल ऑफ अप्रोच है वो बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है, तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि जो आप पढ़ो उसको सर्च करो, गूगल पे ढूंढो, उसको साइट्स पे ढूंढो, कुछ बहुत अच्छी वेबसाइट्स है मैं बताते हुए चलूंगा, उस पे देखो, और न केवल सर्च करो बल्कि उस पॉइंट पर रिसर्च करो, उसको डिटेल में अपने लेवल पे जाओ, प्रोफेशनली उसके सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच के हिसाब से उसको एड्रेस करो। जो भी एडवांस चीजें हैं वो ऐसे हम क्लास में डिस्कस करते हुए चलेंगे, बट स्टिल यू हैव टू बी मोर प्रोफेशनल, मोर प्रैक्टिकल एंड रियल टाइम अप्रोच के साथ हमको उसको देखना पड़ेगा। बाकी सब पेपर में क्या होता है, जितने भी पेपर होते हैं उसमें ये होता है कि आपने जो क्लास में पढ़ा आप मान के चल सकते हो कि एटलीस्ट 80-90% तो एग्जाम में आएगा ही। यहां पर वो मिसमैच होने की संभावना है कि जो हमने क्लास में पढ़ा वैसी की वैसी केस स्टडी उठ के नहीं आएगी, क्योंकि वो तो इंस्टीट्यूट अपने लेवल पर डिजाइन करेगा, तो वहां की केस स्टडी कुछ अलग हो सकती है, कुछ आ, 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 बिल्कुल प्रैक्टिकल होगी, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए हमको इस चीज को पढ़ना है। नाउ विद दिस सेड, द नेक्स्ट थिंग वन हैज टू थिंक ऑफ कि ये पूरा पेपर का थीम क्या है, मतलब पूरा पेपर जो है उसका मॉड्यूल्स को अगर अपन देखें तो मॉड्यूल्स को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट वन जिसमें 5 चैप्टर्स हैं और पार्ट टू जिसमें 4 चैप्टर्स हैं। पार्ट वन, पहला चैप्टर है ट्रांसफर प्राइसिंग। दूसरा चैप्टर है नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन। तीसरा जो टॉपिक है वो है डबल टैक्सेशन रिलीफ। चौथा जो चैप्टर है वो है एडवांस रूलिंग। एक चीज मैं बतला देता हूं कि दिस सब्जेक्ट शुड बी स्टडीड ओनली एंड ओनली आफ्टर स्टडिंग द पेपर 7 डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। जब तक आपने क्लास में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है पेपर 7, तब तक ये सब्जेक्ट जो है आप इंजॉय नहीं करोगे उसको, तो पहले पेपर 7 पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये सब्जेक्ट ही अपन पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद है ब्लैक मनी एक्ट, नाउ ये पार्ट वन ऑफ द मॉड्यूल है। पार्ट टू ऑफ द मॉड्यूल में 4 चैप्टर्स हैं, सो वन ऑफ द चैप्टर इज मॉडल टैक्स कन्वेंशंस, तो जो 4 पॉपुलर मॉडल कन्वेंशंस है उसमें से 2 जो कि मोस्ट पॉपुलर कन्वेंशंस है, द OECD एंड द UN मॉडल, दे हैव बीन गिवन। 7th, दैट इज एंटी अवॉइडेंस मेजर्स, जो कि पेपर 7 में BEPS के नाम से है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, एंड टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस,
जिसमें यू विल सी इक्वलाइजेशन लेवी विच इज द चैप्टर विच इज देयर एंड द नाइन्थ एंड द लास्ट चैप्टर इज इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज सो दैट इज द चैप्टर. अब जब आप इसको देखेंगे ओवरऑल बेसिस पे तो आप एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा रिकमेंडेशन है कि पेपर 7 आपने पढ़ चुके हैं, तो जब पेपर 7 आपने पढ़ा होगा तब उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन जिसमें स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्सेशन, प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन और ऐसी जो बातें नॉन रेजिडेंट से संबंधित है, सेक्शन 9 स्कोप ऑफ इनकम, वो सब चीजें, एग्जम्प्ट इनकम्स, ये सब आप पढ़ चुके हैं, डबल टैक्सेशन रिलीफ, ठीक है, एडवांस रूलिंग, मॉडल टैक्स कन्वेंशंस, इन द न्यू सिलेबस यू हैव दिस चैप्टर ओईसीडी एंड यूएन मॉडल, जिसमें कुछ क्लॉजेस आप पढ़ चुके हैं इसके, एंटी अवॉइडेंस मेजर्स जिसमें 15 एक्शन प्लान्स जो ओईसीडी एंड G20 नेशंस ने दिए हैं वो आप पढ़ चुके हैं, देन टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, इक्वलाइजेशन लेवी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज, ये आप पढ़ चुके हैं. तो आप देखोगे कि सब चीजें तो आप पढ़ चुके हो, चीजें वही है, इसका एडवांस वर्जन यहाँ है. तो जैसे से ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन का टैक्सेशन, इक्वलाइजेशन लेवी, वहां हमने उसका ऊपरी एक नॉलेज लिया, यहाँ हम थोड़ा और डिटेल में जाके उसको समझेंगे, थोड़े उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, असेसमेंट अपील वगैरह वाले पार्ट में भी चले जाएंगे. सिमिलरली मॉडल टैक्स कन्वेंशंस, तो जो मॉडल्स हैं उसमें 29 क्लॉजेस में से सारे अपन ने नहीं पढ़े, अपन ने कुछ क्लॉजेस जो थे वही पढ़े जो उसमें 30 मार्क्स के सिलेबस में दिए हैं, यहाँ अपन सारे क्लॉजेस पढ़ेंगे, सारे 29 आर्टिकल्स हम स्टडी करेंगे. सिमिलरली एडवांस रूलिंग, जिसमें कुछ केस स्टडी और प्रैक्टिकल अप्रोच दी हुई हैं, तो ऐसे हर चैप्टर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको मिलेंगी. ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो आइडेंटिकली कॉपीड है फ्रॉम दी ओरिजिनल चैप्टर इन दी पेपर 7. और एक टॉपिक इंडिपेंडेंटली आपको बिल्कुल नया मिलेगा, दी ब्लैक मनी एक्ट 2015. ये जो एक्ट है ब्लैक मनी, ये एक्ट की थीम, इसका बेसिस क्या है, ये यहां से अब अपन अपनी बात चालू करेंगे. तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर अपन रखेंगे, ताकि जो इंडिपेंडेंटली नई बात है वो अपन समझ ले, और उसके बाद फिर जो बेसिक वहां से डिस्कशन अपना चला आ रहा है वो अपन स्टडी करें. नाउ विदाउट गोइंग इनटू द सब्जेक्ट, वन हैज टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल थीम, द इंटरनेशनल टैक्सेशन, हाउ इट इज देयर. तो वो थीम समझो. नाउ हमको ये पता है कि दुनिया के जितने भी देश हैं, 194 कंट्रीज, हर कंट्री का अपना खुद का एक, क्योंकि उनकी अपनी सॉवरनिटी है, तो हर कंट्री का अपना खुद का एक ज्यूरिसडिक्शन है और अपना देश का वो कानून बनाते हैं. ये कानून उनके देश के लोगों के लिए होते हैं, दैट इज द डोमेस्टिक लॉ. तो जैसे इंडिया का भी, खास तौर पे टैक्सेशन पर्पजेस से, इंडिया का भी एक डोमेस्टिक लॉ है विच इज द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961. इसके अंतर्गत वी हैव डिसाइडेड अवर स्कोप. द स्कोप ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज टू टैक्स सर्टन पर्संस एंड सर्टन इनकम्स. वो लोग जो इंडिया के रेसिडेंट हैं, और रेसिडेंट को हम टैक्स में कहते हैं टैक्स रेसिडेंट. वो लोग जो इंडिया के टैक्स रेसिडेंट हैं उनको हम टैक्स करते हैं, और वो इनकम्स जो इंडिया में अक्रू या रिसीव हुई उसे हम इंडिया में टैक्स करते हैं. तो वी हैव डिफरेंट रूल्स फॉर टैक्सेशन, लाइक द रेसिडेंस रूल, द रिसिट रूल एंड द सोर्स रूल, जिसके हिसाब से हम इंडिया में लोगों को टैक्स करते हैं. बहुत एलिमेंट्री बात है. बात यह है कि हर कंट्री का ऐसा एक डोमेस्टिक लॉ है जिसके अंतर्गत वो लोगों को टैक्स करते हैं उनके देश में. डोमेस्टिक लॉ
जनरली ऐसा बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन किया जा सके, क्योंकि हर देश की सरकार चाहती है कि उनके यहाँ पर टैक्स ज्यादा कलेक्ट हो ताकि कंट्री का डेवलपमेंट और जो भी उनको पैसा यूज करना है उसके लिए वो यूज किया जा सके. अपार्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक लॉ, इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो अप्लाइज. एंड बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ द एंटायर सिनेरियो बिकम्स वेरी फजी. होता यह है कि मान लो मैं इंडियन टैक्स लॉ के हिसाब से इंडिया में टैक्सेबल हूं, अब इंटरनेशनल लॉ की लेवी के कारण, इंटरनेशनल लॉ मतलब या तो दूसरे देश का डोमेस्टिक लॉ या ओवरऑल जो ग्लोबल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस है, इनके कारण हो सकता है कि मैं दूसरे देश में भी टैक्सेबल हो जाऊं, खास तौर पे दूसरे देश के डोमेस्टिक लॉ के अंतर्गत. सो इंटरनेशनल लॉ में रिजल्ट इन अ सिचुएशन ऑफ डबल टैक्सेशन. एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज इंटरनेशनल लॉ में रिजल्ट इन अ सिचुएशन ऑफ डबल नॉन टैक्सेशन. Now, this is something which is very important. ठीक है, अक्सर ये अपन सोचते हैं कि एक व्यक्ति जो है उसने इंडिया का व्यक्ति है, इंडिया का रेसिडेंट है, वो बाहर इनकम कमाई से इन एनी कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसको इंडियन टैक्स लॉ में भी टैक्स लगेगा बिकॉज ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसको उस देश के लॉ में भी टैक्स लग सकता है, से यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ में भी टैक्स लग सकता है, मे बी बिकॉज द सोर्स ऑफ द इनकम इज यूनाइटेड स्टेट्स. तो डबल टैक्सेशन की सिचुएशन आ सकती है, ये कॉमन फिनोमिना है. पर जो मल्टीनेशनल्स हैं वो इंटरनेशनल लॉस को इस तरीके से यूज करते हैं सो दैट इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ डबल नॉन टैक्सेशन. और ये एक बहुत अच्छी प्लानिंग वो लोग कर लेते हैं. ये प्लानिंग की थीम रहती है कि वो कुछ ऐसे देशों को यूज करते हैं जहां पर टैक्स रेट कम होते हैं या जहां टैक्स ही नहीं होता है, जिसको हम टैक्स हेवंस कहते हैं. तो टैक्स हेवंस और लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शंस को वो यूज करके वहां पर अपनी इनकम डाइवर्ट करके टैक्स बचा लिया करते हैं. उस प्रैक्टिस को रोकने के लिए दे हैव सर्टन लॉज, सर्टन यू कैन से एक्शन प्लान्स. पिछले 100 सालों में एफर्ट यही हो रहा था कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जाए. डबल टैक्सेशन होता है बिजनेस के इंटरेस्ट में नहीं है, तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जाए. पर 100 साल बाद उन्होंने रियलाइज किया कि डबल टैक्सेशन तो एक एस्पेक्ट है, मल्टीनेशनल्स इंटरनेशनल लॉ को ऐसे यूज करते हैं जिससे सिचुएशन होती है डबल नॉन टैक्सेशन की. तो उन्होंने 2013 से उसके ऊपर एफर्ट चालू किए और उन्होंने एक्शन प्लान्स डिवाइस किए कि डबल नॉन टैक्सेशन की सिचुएशन को कैसे अवॉइड किया जाए और अवॉइड करके जो लूप होल्स है लॉ में उसको कैसे प्लग किया जाए ताकि लोग मल्टीनेशनल्स इस तरह की सिचुएशन का मिसयूज ना कर सके, वो भी बिजनेस के लिए हार्मफुल है. मान लो कोई फॉरेन की कंपनी है इंडिया में आके बिजनेस करती है और उसको इंडिया में इनकम टैक्स नहीं लगता है, और एक इंडियन एंटिटी है वही बिजनेस कर रही है और उसे इंडिया में इनकम टैक्स लगता है. से आप एग्जांपल ले सकते हो कोई ई कॉमर्स साइट का, ठीक है, से alibaba.com है, और इन्होंने क्या किया, ये इंडिया में आके बिजनेस करते हैं एंड बाय यूजिंग द इंटरनेशनल लॉ दे आर एबल टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ डबल टैक्सेशन, रादर दे आर एबल टू अवॉइड टैक्सेशन. तो इनको टैक्स लगना ही नहीं है, और टैक्स नहीं लगना है तो ये थोड़ा सा अगर प्रॉफिट कम भी लेंगे तो भी इनको फर्क नहीं पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इनको कि ये सस्ते में प्रोडक्ट बेच सकते हैं, टैक्स इनकी कॉस्ट है ही नहीं. और इंडियन कोई साइट आपने ले ली से flipkart.com और इनको इंडिया में टैक्स लगना है, तो जब इनको इंडिया में टैक्स लगना है तो व्हाट विल हैपन इज देयर विल बी अ मिसमैच. ये वही प्रोडक्ट महंगे में बेच पाएंगे क्योंकि इनके लिए टैक्स भी एक कॉस्ट है, वो एड अप करके ही वो उतना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, और इनके लिए टैक्स एक कॉस्ट नहीं है. सो देयरफॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मल्टीनेशनल्स को मिल जाता है, और लोगों में एक
डिस्टॉर्शन या एक हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा पीपल स्टार्ट फीलिंग कि ये तो गलत हो रहा है, ठीक है, हम वही बिजनेस कर रहे हैं और सरकार हम पे हमारे ऊपर टैक्स लगा रही है, और वही बिजनेस जब मल्टीनेशनल हमारे देश में कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, तो पीपल में स्टार्ट दैट देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए जो इंटरनेशनल लॉ है, दे हैव रिकमेंडेड दैट इट शुड बी अमेंडेड सो दैट द डबल नॉन टैक्सेशन शुड बी अवॉइडेड, ताकि डिस्टॉर्शन खत्म हो सके, और इनको अगर टैक्स लग रहा है तो इन्हें भी लगे, और अगर इन्हें टैक्स नहीं लग रहा है तो इन्हें भी ना लगे। तो दैट इज द माइंडसेट ऑफ दिस वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल टैक्सेशन। नाउ हमारे कोर्स में कभी भी किसी दूसरे देश का प्योर टैक्स लॉ नहीं है, मतलब ये सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि अपन यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा जो इनलैंड रेवेन्यू कोड है वो पढ़ेंगे, या ऑस्ट्रेलियन इनकम टैक्स एक्ट 1936 पढ़ेंगे, हमको उनके देश का किसी भी देश का इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ना है। हमारा अप्रोच ये है कि डोमेस्टिक लॉ और इंटरनेशनल लॉ को इंटीग्रेट करना है, ये हमारा अप्रोच है। हमको हर देश का डोमेस्टिक लॉ नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में एक चीज ये अपने को क्लियर रखनी चाहिए। अब अपना जो पूरा सिलेबस है अगर अपन उसको सोचें, तो अपने सिलेबस में वी हैव फर्स्ट द डोमेस्टिक लॉ, और डोमेस्टिक लॉ में तीन चीजें हैं, इंडिया में टैक्स कब लगेगा, और पूरा फोकस अपना ये है इंडिया में टैक्स कब लगेगा। सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन इंडिया, दैट इज द थीम। तो इफ आई एम अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई एम टैक्सेबल इन इंडिया, और इफ द इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया आई एम टैक्सेबल इन इंडिया, और इफ द इनकम इज अक्रूड इन इंडिया आई एम टैक्सेबल इन इंडिया। सो वन एस्पेक्ट इज द स्कोप ऑफ टोटल इनकम, द चार्ज। सेकेंड एस्पेक्ट इज इंडिया में अगर टैक्स लगेगा तो उसका कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा। तो कंप्यूटेशन के लिए जो हमारा मॉड्यूल का एक चैप्टर है नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, वो हमको बताएगा कि अलग अलग हेड्स में कैसे कैलकुलेशन होगा, लाइक करेंसी कन्वर्जन के कौन से रेट्स लगाए जाएंगे, अगर वो बिजनेस इनकम है तो करेंसी कन्वर्जन कैसे करना, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो करेंसी कन्वर्जन कैसे करना, अगर वो बिजनेस इनकम है तो कुछ उनके लिए स्पेशल प्रोविजन हो सकते हैं लाइक प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन और सेक्शन 44D। तो कुछ ऐसे कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स हमको पढ़ाए जाएंगे। और फिर तीसरी चीज आती है द रेट ऑफ टैक्स। तो डोमेस्टिक लॉ किसी भी देश का आप लाइफ में पढ़ो तो ये तीन चीजें आपको देखनी है, चार्ज, उस देश में टैक्स कब लगेगा, द कंप्यूटेशन, टैक्स लगेगा तो इनकम का कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, एंड द रेट ऑफ टैक्स। तो रेट ऑफ टैक्स नॉर्मली जो रहते हैं वो एनुअल फाइनेंस एक्ट या बजट से कंट्रोल होते हैं, हर साल के बजट में जो रेट आते वो रेट ऑफ टैक्स होते हैं, पर कुछ इनकम्स कुछ स्पेशल रेट पर टैक्सेबल होती है, तो वो एक एस्पेक्ट ऑफ द मैटर है जो हमको पढ़ना रहेगा, स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्सेशन, कुछ इनकम्स कुछ स्पेशल रेट पर टैक्सेबल होती है। Once you study this, then the second aspect of the matter which you have to go through, you have to understand is, because of the application of the international law, there may be situation of double taxation. So double taxation ko counter karne ke liye, usko attack karne ke liye, you have chapters like double taxation relief, then you have the chapter which deals with the model tax conventions, then you have the chapter dealing with the interpretation of the tax treaties,
Now, once you are done with this, then you have to go into double non-taxation. There may be situations of double non-taxation. Using the international laws, people may avoid the situation of double taxation. So there may be situations of double non-taxation. And double non-taxation ko counter karne ke liye, jo chapters hai humare course mein, one of the chapter is base erosion and profit shifting, jo apne module mein diya hai in the name of anti-avoidance measures. Then you have one more chapter, the second chapter dealing with this is the transfer pricing. The theme of the transfer pricing is this only, ki log multiple countries ko use karke tax avoid kar lete the. Ek desh mein jyada profit book kar liya aur dusre desh mein kam profit book kiya. To usko counter karne ke liye you have the chapter transfer pricing. Then the third chapter dealing with this thing is the taxation of e-commerce transactions, which is equalization levy. The theme is again, और ये theme e-commerce sites के लिए है, जो इंडिया में advertisement से income कमा रही है. और जब हम उनको payment करें, तो हमको कोई उस पर levy deduct करनी है, to equalize. यही चीज रेसिडेंट के साथ उसको टैक्स लगता है, तो नॉन रेसिडेंट के केस में भी उसको टैक्स लगने के लिए दिस इज द कंसेप्ट विच इज देयर. इसके अलावा कुछ मिसलेनियस चैप्टर्स और अपने कोर्स में हैं, जैसे अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एंड द ब्लैक मनी एक्ट. तो ये और चीजें अपने कोर्स में है. तो एक ओवरऑल अपने सिलेबस को अगर अपन डिवाइड करें सिस्टमैटिकली, तो अपना सिलेबस ये है, द डोमेस्टिक लॉ, द सिचुएशन ऑफ डबल टैक्सेशन एंड द डबल टैक्सेशन रिलीफ, द सिचुएशन ऑफ डबल नॉन टैक्सेशन एंड इफ देयर इज डबल नॉन टैक्सेशन हाउ टू गो इनटू दैट थिंग, और कैसे उसमें एंटी अवॉइडेंस मेजर्स ऑपरेट करके उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, एंड सम मिसलेनियस चैप्टर्स लाइक द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एंड द ब्लैक मनी एक्ट. तो ये एक ओवरऑल अपने सिलेबस का थीम है जो 100 नंबर में अपने को है. एक बार मैं पूरी बात वापस कह देता हूं, और जैसा कि मैंने कहा कल से हम स्टार्ट करेंगे विद द ब्लैक मनी एक्ट, जो इंडिपेंडेंटली पूरा नया चैप्टर है, पहले वो अपन पढ़ेंगे. तो मैंने आज जो कहा उसमें ये कहा कि यू हैव द इलेक्टिव पेपर, पेपर 6C, जो कि ICAI हैज गिवन. And the theme is somewhere connected with the theme of ICSI, जहाँ पर पहले से open book exams होती थी in their elective paper. तो अब अपने लिए जो professional knowledge के लिए 6 elective papers दिए हैं, उसमें से one of the elective paper international taxation, which we will be discussing in our batch. This paper is a 100 mark paper 6. ये 6 नंबर का जो पेपर है, इसलिए अपने को चूज करना शायद प्रिफर करे, क्योंकि 6 और 7th पेपर जो हैं, वो पेपर कंटिन्यूएशन में, तो 6 पेपर को पढ़ते पढ़ते 6th एंड 7th पेपर अपना हो जाता है. 130 नंबर का इंटरनेशनल टैक्सेशन हम पढ़ रहे हैं और 70 नंबर का डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं. सो वो कहीं ना कहीं हम एग्जाम वाले समय में भी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म उसको कर पाएंगे, क्योंकि पेपर का सीक्वेंस वैसा है. दूसरी चीज आती है कि पेपर 7 पढ़ते पढ़ते 40-50% ऑफ द एंटायर दिस सब्जेक्ट पेपर 6 वी हैव स्टडीड, द इलेक्टिव पेपर वी हैव गॉन थ्रू. तो इसलिए क्योंकि वो बहुत सारा हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ये पेपर करना थोड़ा रिलेटिवली ईजी लगता है. एंड द स्कोप इन द रियल लाइफ इज मोर, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस इन द टैक्सेशन फील्ड यू विल गेट एन अपर एज, a better choice you will be, a better candidate you will have over the other candidates. Open book exam ki kuch khas baatein jo bilkul precise mein bata deta hu. Open book exam mein you will get a book, but that book will be something which they will provide you, which is the module in a modified way. Ye paper case study based paper rahega,
और ओवरऑल इसमें केस स्टडीज हो सकता है 50-60 नंबर की है, केस स्टडीज दो आईसीआई ने खुद दी है इस पेपर की, तो आप उसको देख सकते हो, जो कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी है जिसमें सारे टॉपिक्स को मर्ज करके कोई केस स्टडी डेवलप की गई है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है उस केस स्टडी में और सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हैं। नाउ पेपर 7 में जो आप पढ़ चुके हो उसका एड ऑन चीज आपको पढ़नी है, तो हमारा पूरा सिलेबस हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जो पढ़ चुके हैं और जो आगे पढ़ना है, ठीक है, उसी स्टाइल में हम पढ़ेंगे। मॉड्यूल जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि मॉड्यूल ही अपने को एग्जाम में आएगा, भले मॉडिफाइड वर्जन आए पर उसका कंटेंट अपने को पूरा पता चल जाना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कहाँ है, कैसा रहेगा। एंड इट इज बिकॉज बी इट इज अ प्रैक्टिकल पेपर, यू हैव टू डू सर्च रिसर्च, तो एक प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल अप्रोच, ऐसा अपन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करते हैं कि अपन रटा हुआ क्लाइंट को बता देते कि अरे वो मैंने पढ़ा था बस वो ही बता दो, ठीक है, यू लुक इन टू द बुक्स, सो यू हैव टू गो इन टू द बुक्स, रीड एंड री रीड द थिंग्स टू बी अ मोर प्रोफेशनल। उसके अलावा ये कुछ मैंने बताया कि मॉड्यूल के जो 9 चैप्टर है उसमें से 8 चैप्टर कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन द पेपर 7। एंड सो फार एज 1 चैप्टर इज देयर, ब्लैक मनी एक्ट, विच इज अ इंडिपेंडेंट एंड डिफरेंट चैप्टर। मैंने ऐसा कहा कि डोमेस्टिक लॉ और इंटरनेशनल लॉ इनको इंटीग्रेट करना है, ये इस चैप्टर की थीम है। तो जो डोमेस्टिक लॉ है इंडिया में वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, और जो इंटरनेशनल लॉज लगते हैं जो किसी दूसरे देश का डोमेस्टिक लॉ है या ओवरऑल इंटरनेशनल लॉ है, उसके एप्लीकेशन के कारण देयर मे बी सिचुएशंस ऑफ डबल टैक्सेशन और डबल नॉन टैक्सेशन, तो उसको कैसे एड्रेस करना, ये इस चैप्टर की थीम है। और मैंने उसको एक सिस्टमैटिक वे में इस चैप्टर को पूरे सिलेबस को डिवाइड किया कि पहले तो आपको डोमेस्टिक लॉ पता होना चाहिए, इंडिया का ही डोमेस्टिक लॉ आपके कोर्स में था। इस सब्जेक्ट में भी ऐसा नहीं है कि बचे हुए 193 कंट्रीज का डोमेस्टिक लॉ आपको पढ़ाया जा रहा है, you don't have to study the domestic law of other countries, so you have to study the charge computation and the rate of tax, uske alawa aapko padhna hai double taxation agar hota hai to how to address it, aur double non taxation hota hai to how they will address it by taking the anti avoidance measures etc, aur kuch miscellaneous ek do chapter hai wo aur padhna hai। So with this introductory part at least of this subject is done, kal se hum black money act bilkul precisely chalu karte hain। That is it. Thank you very much.